जैसे कि आपको पता ही है, पिछले साल 2016 नवंबर में मोदी सरकार ने पुरानी करेंसी नोट बंद करने का फैसला लिया था। उसके बाद से ही सरकार अलग अलग मूल्य के नए करेंसी नोट जारी कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को 200 रुपए का करेंसी नोट सामने आया। पिछले गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका ऐलान किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की माने तो खराब हो चुकी है करेंसी। जाली नोट के खेल और आम आदमी की सवालियत को देखते हुए ही 200 रुपए के नए नोट को बाजार में लाया गया है। SBI के मुख्य आर्थिक सलाहकारों ने भी माना कि नोटबंदी के फैसले के बाद से ही 500 और 2000 रुपए के बीच नए मूल्य की कोई करेंसी नहीं लाई गई थी। अभी 200 रुपए का नोट लेने के लिए करना पड़ेगा इंतजार। ATM में अभी नहीं आएगा 200 रुपए का नोट। ये थी SM News रिपोर्ट।